सोमवार की तरह वीर अरिजीत सिंह जी, वीर अरिजीत सिंह जी साढ़े नाल गुरमत फिलासफी का विशा लेंदे हन। पिछले 5 हफ्तों तो लगातार मनुखी यात्रा ते उसकी मंजिल के बारे वीर जी विचार दे रहे हैं। अज भी उसे लड़ी के विच अगों विषय को कंटिन्यू करेंगे। सो उन्होंने बेनती है कि अज का विचार आरंभ करन जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहवं गुरप्रसाद वाहगुरु 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 जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। सम्मान योग गुरु सवारियो, पिछले कुछ हफ्तों तो असी गुरमत फिलोसफी का एक विशा इंसान की मनुख की यात्रा कितों शुरू हुई, मंजिल की है, रस्ते विच की रुकावट हैं, किवें पहुँचना है, किस तरह है, तो कुछ विचार असी करते आ रहे हैं। ये टॉपिक, ये सबजैक्ट, ये विशा इन्ना गंभीरा है, इसनों जिन्ना मर्जी असी विचार करते जाइए ये चो होर तो होर विचार अगे निकलदिया आदिया। तो पिछले जो विचार असी कीतियां, असी पिछले हफ्ते सतसंगत की गल मेन कीती सी। सफर दे यात्रा दे आम तौर पर असी वेखते हाँ दो हिस्से होंदे ने। असी जो कितें जाना हो, घरों चलते हाँ, बस स्टैंड ते, रेलवे स्टेशन ते, कार ते इस्तेमाल करते हैं, एयरपोर्ट ते, इस सफर का पहला हिस्सा है जो साढ़े अपने हाथ में होंदा, असी कोई अपना साधन वरत के उत्थे जाना चाहते हैं। सफर का दूजा हिस्सा होंदा है जदों आप किसी गड्डी, कार जा रेल जा जहाज दे अपने आप नूं हवाले कर दिंदे, फिर तुहाडे अपने बस की गल नहीं है, फिर तुहाडी डोर उहदे हाथ विच है। हवाई जहाज बैठ के डोर उहनां दे कोल है, ट्रेन च बैठ के समय ते लै जाए ना लै जाए, बस च बैठ के बस वाले दे हाथ विच हुंदा है। पहले सफर विच सानू आप मेहनत करनी पैंदी सी, अपना साधन वरतने पैंदे, आप मेहनत करनी पैंदी सी, पर जो दूजा सफर आरंभ हो जाता है वो जिम्मेवारी किसी होर की बन जाती है, रिस्पोंसिबिलिटी फिर अपनी जिहड़ी है वो लैके जाने वाले की बन जाती है, जाने वाले की घट जाती है। आम जिहड़ी मैं दुनिया की उदाहरण जी दे के गल करनी चाहना, जे कित बस जा होर चीज दे विच खराबी हो जाए तो फिर उन्हां दी ड्यूटी हुंदी है कि वो अरेंजमेंट करते ने मुसाफर नूं यात्रु नूं किवें भेजना उहदी मंजिल दे उत्ते, उन्हां दी ड्यूटी है। बस मनुखा जीवन दी, मनुख दे इस जीव दी हालात भी कुछ इहो जिही है, इहदी अवस्था भी कुछ इहो जिही है। एक सफर है गुरु तक पहुंचन दा, गुरु दी शरण पैण दा, गुरु की शरण तक जान का, तो दूसरा है गुरु नूं नाल लैके जा गुरु की बख्शिश रूपी बेड़ी विच बैठ के संसार सागर तो दूसरे पासे दूजे किनारे लगन का, इत्थों सफर साडा शुरू हुंदा है, जिथों असी प्रीतम दे देश विच प्यारे दे देश की गल्लां असी करते हैं, जो मंजिल साडी है पहुंचन दी है। संसार तो चल के गुरु तक पहुंचना,
ते गुरु निरंकार तक पहुंचावे। संसार तो चल के गुरु तक पहुंच करनी ते गुरु साहब की बाह फड़ के सानू निरंकार तक लैके चला जाता है, क्योंकि गुरु पातशाह जी ने एक बाणी विच भी एक गल सानू समझाई है, अगन सागर बुढ़त संसारा नानक बाह पकड़ सतगुर निस्तारा, बाह फड़ के रह जाता है। साड़ी बेड़ी पापा ना डोलती है, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाए। ये पापा ना भरी हुई बेड़ी डोलती है, गुरु अगे जो अरदास करते हैं, लै गुरु पातशाह तेरी शरण में आए हैं, तेरे हाथ डोरी है प्रभ, डोरी हाथ तुम्हारे की गल जो असं कर दें, फिर गुरु की नाल साड़ी सांझ जड़ी है वह शुरू हो जाती है। संसार तो तुर के गुरु तक पहुंचना बड़ा बिखड़ा जा पेंडा है, मन नहीं चाहता, बड़िया हुजतां बड़िया रुकावटां बड़े रस्ते दियां तकलीफां साढ़े दिमाग चाहुंदियां ने, अमृत छक लिया की बनेगा, गुरु वाले बन गए यह कम नहीं होएगा, इस तरह नहीं होएगा, क्योंकि संसारी का चित इसे पासे तुरता है, बड़े बिखड़ा जा पेंडा है। ते सफर के दूजे हिस्से में फिर साड़ी जिम्मेवारी घटती है, ते गुरु की जिम्मेवारी वध जाती है, गुरु की जिम्मेवारी वध जाती है सफर के दूजे हिस्से दे विच। गुरु साहब जी सानू अध वाटे छड़दे नहीं, जे किते भुल भी जावे जीव तो गुरु साहब फिर अपनी कृपा कृपा दृष्टि करके साडे ते बख्शिश करदे ही रहिंदे हन, अपनी बख्शिश नाल अपनी नजर नाल बख्श देंदे हाँ। गुरु की जिम्मेवारी का एहसास जदों जीव नूं पूर्ण तौर ते हो जाए तो फिर उन्हों ये बचन गुरु अर्जन देव महाराज दे भरोसा बन जाता है, वह की हैं, सतगुरु सतगुरु सिख की करै प्रतपाल, सेवक गो गुर सदा दया, सिख की गुर सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उच्चरै, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार तिहाते। फिर सतगुर किवें करदा है, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। फिर पातशाह के कहते हैं सतगुर सिख का हलत पलत सवारे, सतगुर सिख का हलत पलत सवारे, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे, गले नाल ला के रखता है, सतगुरु सा जीव नूं अपने नाल ला के रखता है। जीव नाल संसार जीव संसार दी भटकना दे मगरों बौड़ी भटकना तो बाद असीं इह गल मंगदे हां कि मनुखा दे ही पा के रब की बख्शिश नाल गुरु की रब गुरु की संगत विच जाके बैठता है। फिर जदों रब की बख्शिश गुरु की कृपा ते गुरु की संगत जदों हुंदी है फिर जीव इस पड़ाव ते पहुंच जांदा है जिथे हुण इहदी यात्रा आरंभ होनी है, जिथों इहदा अगला सफर अगला पड़ाव यात्रा का शुरू होना है, जिथों असी जिहड़ी यात्रा च असी चल पए ये कह लीए कि साढ़े वर्ग इंसान जड़े ने वह गुरु ने कृपा बाल वाहेगुरु की बख्शिश हुई कृपा हुई गुरु मिलाया हूँ साढ़ा अगला सफर जोड़ा है वह शुरू होंगे, जहाँ चाओ पैदा हो जाए गुरु दियाँ कथा कहाड़ियाँ कर, गुरु दियाँ वड्याइयाँ कर, गुरु के नाल तुरं का गुरु की बाह फड़न का चाओ अंदर पैदा होगा, ये साढ़े सफर का एक पड़ा है, ये भी चा पैदा होना। दूजी यात्रा विच गुरु शरीर करके नहीं हुंदा, एक गल ख्याल करना, कई बार असीं गुरु नूं भुलेखा लग जांदा सानूं गुरु शरीर करके होएगा, गुरु शरीर करके नहीं हुंदा, गुरु विचार करके हुंदा है, गुरु दी हजूरी विचारां नाल हुंदी है शरीर नाल नहीं हुंदी। हुण गुरु दा रूप जिहड़ा उह शब्द हो जांदा जिहनूं असीं शब्द गुरु कहिंदे आ, दे नहीं शब्द गुरु ये विचार है, ते सिख दा रूप जिहड़ा बंदा वह सुरत धुन चेला वाला बनता है, सिख इत विचारते है शब्द गुरु है सुरत धुन चेला वाली अवस्था से जाके पहुंचता है। इसलिए गुरु साहब जी ने
अपना असल रूप संसार के सामने पहला स्पष्ट किया भी गुरु का असल रूप की है। गुरु जी ने इस अपना संसार के सामने स्पष्ट कर दिता कि गुरु कोई शरीर नहीं हुंदा, गुरु शब्द हुंदा है। जदों सतगुरु पातशाह जी किसी कोल भी जाते तो एक गल कहते मरदानिया रवाब छेड़ बाणी आई है, शब्द आया है, निरंकार के घर दियां गल्लां हन। उदों गुरु नानक पातशाह एक गल ही कहते और एक गल गुरु जी ने पहला सानूं स्पष्ट कर दी कि सेवक का असल रूप प्रगट करने लई पहले जामे विच गुरु नानक देव पातशाह जी ने जप की बाणी विच एक उस अनूप घड़ी जाती हुई घड़ का जिक्र जो कर जिथे सब तो पहला घड़िया जाना सुरत ने, इतों गल शुरू होंगी सुरत का घड़ना, फिर मत घड़ी जाती है, फिर मन घड़िया जाता है, फिर बुद्ध घड़ी जाती है, तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध ये घड़ी जाती है। ये चीजा गुरु गुरु घर का गुरु की टकसाल में घड़िया जा गुरु के विचार चीजा घड़िया जा गुरु के बख्शे हुए शब्द नाल चीजा घड़िया जा गुरु सानू शब्द दिता शब्द नाल चीजा घड़निया शुरू हो जाए। सुरत के विचार तब्दीली साढ़े मत मन मत सारिया चीजा के अंदर तब्दीली चेंज फिर देही तो सिर्फ शब्द को गुरु जी ने जी गुरु जी ये भी गल समझाती भी देही जी है शरीर जड़ा है यह तो शब्द को प्रगट करने लिए है, देही गुरु नहीं है। गुरु जी ने आप भी गल समझा दी भी देही तो सिर्फ शब्द को प्रगट करने लिए गुरु पातशाह ने निरंकार ने संसार में भेजा। जो काम पूरा हो गया उदो समेट के गुरु ग्रंथ साहब रूपी खजाना शब्द साड़ी झोली में पा के सतगुरु जी ने सिलसिला खत्म कर दिता। देही का सिलसिला शरीर का सिलसिला जरा सदा ही खत्म कर दिता। देही दे सिर्फ शब्द प्रगट हुंदा, असली महानता शब्द की है शरीर की नहीं है। वह जोत की सी जिहड़ी जोत गुरु नानक शरीर विचों चल गई गुरु अंगद देव पातशाह भाई लहणे चली लहणा गुरु अंगद देव पातशाह बन गया। वह जोत जदों शब्द रूपी जोत गुरु बाबा अमरदास टिकी तो वह गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी बन गए। तो उन्होंने सिर पर नरंजनी छत्र झुलिया जदों एक वह जोत एक जतीम रहोल लाहौर दी गलियां विच रुलण वाले जतीम बच्चे के अंदर गुरु पातशाह गुरु बाबा गुरु अमरदास महाराज ने टिकाई और धन गुरु रामदास पातशाह सच्चे पातशाह बन गए। तो शरीर की नहीं सी जोत की वैल्यू सी जोत सी जोत की सी शब्द रूपी जोत शब्द का खजाना सतगुरु जी ने साडी झोली दे विच पा दिता। एक होर मैं थोड़ी जी उदाहरण होर दे दिया कई बार असीं टीवी के उत्ते रेडियो के उत्ते कोई खबर आउंदी है किसी का बयान स्टेटमेंट आउंदी है जां बयान टीवी वाला सुनाउंदा बयान टीवी वाला सुनाउंदा एंकर सुनाउंदा लेकिन साडा ध्यान जाएगा कितने जिन्हें बयान दिता है। जे प्राइम मिनिस्टर का या प्रेजिडेंट का बयान है तो साढ़े उदी शक्ल साढ़े सामने आ जाएगी जी फिर फलाने प्रेजिडेंट ने यह कुछ कहा राष्ट्रपति ने यह कुछ कह दिता या प्राइम मिनिस्टर ने यह कुछ कह दिता। हालां एंकर गल सुना रहा है अपने एंकर गल गल्लां करन वाला एंकर है पर साडा जिहड़ा ध्यान है वह एंकर दे नहीं उहदे कहे हुए शब्दों के विच है भी शब्द किहड़े बोले ने उहने मूँह दे विचों किहड़े शब्द बोले है। टीवी या रेडियो सिर्फ प्रगट करन वाले हन दसण वाले हन पिछे जे ये शब्दों की सांझ टुट जाए तो फिर टीवी तो कुछ भी नहीं बोल सकता। गल शब्द के नाल सी वर्ड्स के नाल सी जे गूंगा बन के बैठा रहे एंकर उहदी की वैल्यू सी कोई वैल्यू नहीं सी। जो शब्द बोलिया गया वैल्यू उहदी सी जिहड़े जबान चों बोले गए उहदी वैल्यू बनी है। इसे तरह गुरु साहब जी ने संसार नूं गल स्पष्ट की है कि बाणी रूपी शब्द ये मेरे नहीं हन, ये बाणी रूपी शब्द मेरे परमेश्वर दे हन। इस करके सतगुरु कहते हो आपो बोल न जानता मैं कहा सब हुक्माओ जियो। यही गल असीं पहला पढ़ते कई बार गल सुनी है जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। असीं भी गल सुनी है वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न कोई। फिर बाणी गुरु गुरु है बाणी
ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਨਿਮੁਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੋ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਤ ਰੂਪ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਭੇਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਤ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਤਮਾ ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੂਰੀ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਰਕਲ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਲ ਤੁਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਘੜੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਹਾਂ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਘੁਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਘੁਆ ਸਕਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਘੁਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਟੋਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਘੁਆਏਗਾ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਘੁਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਨਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹੀ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਲੱਗ ਕਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਮ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰਾ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹਾਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਾਂ, ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਹਟਿਆ, ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਦੀ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਘੜਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
जदों शब्द अगवाई करता पहला पहला सुरत शब्द दे मगर तुरदी है तो फिर सुरत धुन चेला हो जाती है। सुरत विच वजन वाली वह धुनी जिसनों किसी ने पंच शब्द कहा, किसी ने अनाहत नाद कहा, जा किसी ने अंदरूनी धुन कहा, होर कई नाम दिते होर कई नावां नाल स्पष्ट किया, पर यह जदों ये गल करिए कि जदों रबी नाद जिहड़ा वजदा है वह सुरत का टका ना होण करके सानूं पहला पता नहीं सी लगता, सुरत खिंडी होण करके पता नहीं सी लगता, फिर इत्थे चीजां पहुंच के जदों इस अवस्था ते पहुंचते फिर जीव ते उहदा आपो च मिलाप हुंदा है। तो गुरु दा दूजा सुरत विच वजन वाले शब्द नूं बहुत सारे धर्म दे चलण वालिया ने सुरत शब्द दे मिलाप दे नाम दे नाल भी याद किया भी सुरत शब्द का मिलाप हो जाए। तो सतगुरु कहिंदे ने गुर का बचन वसे जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै भा ना साके जाले। गुरु पातशाह जी का वचन आता है यह शब्द है। जब दूजे पासा यह कह लीए जो ये अवस्था बनती है फिर जीव कहता है गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले। जीव इस अवस्था दी गल्लां जिहड़ियां है वह करता है। हुण गुरु शब्द ते सुरत एक विक हो, गुरु शब्द कदे नीवें तल ते नहीं जे आउंदा, गुरु का शब्द भाव कदे विकारां विच नहीं फसदा, गुरु का शब्द, गुरु के शब्द नाल जुड़ी हुई सुरत भी कदी विकारी भावना वाल नहीं फसदी। ये गल ख्याल करना जिहड़ी शब्द सच कहिंदे ना सुरत शब्द विच जुड़ गई ते उह शब्द सुरत दे मिलाप दी अवस्था जो कदी विकारां विच नहीं फसदी। गुरु साहिब जी ने उदाहरण दित्तियां, मुरगाबी नूं रब ने यह दात दित्ती है, बड़ी बख्शिश की है रब ने कि पानी विच तरदी है लेकिन अपने खंभां नूं कदी भिजण नहीं दिंदी, सीधी पानी तरदी रहिंदी उडारी मार सकती है, सीधी तरदियां भी उडारी मार सकती है, अपने आप नूं कदे चिकड़ नाल जोड़ के मैला नहीं होण दिंदा कमल का फुल, उहदियां पंखड़ियां खुशबू हर पासे किन्नी जबरदस्त है लेकिन अपनियां पंखड़ियां नहीं गंदियां नहीं होण दिंदा। इसे तरह शब्द सुरत दा जदों मिलाप हो जाए फिर सेवक भी संसार विच रहिंदा होया, संसार भवन विच रहिंदा होया, विकारां दे चिकड़ दे विच रहिंदा होया भी अपने आप नूं सदा निर्लेप रखदा है। जिहड़ी सिद्ध गोष्ठ विच असीं पढ़ी सी गल, जैसे जल मैं कमल निरालम मुरगाई नै साने, सुरत शब्द भव सागर तरियै नानक नाम बखाने। सिद्धा नूं गुरु पातशाह जी ने यह गल समझाई, जदों सिद्धा ने कहना बाबा ये किवें हो सकता है कोई गृहस्थी भी होवे ते निर्लेप भी होवे, कोई गृहस्थी भी होवे ते माया दी पकड़ तो परे भी होवे, तां गुरु पातशाह जी ने कहा देखो जैसे जल मैं कमल निरालम मुरगाई नैसाने, सुरत शब्द भव सागर तरियै नानक नाम बखाने। फिर गुरु पातशाह कहते ने जिन्ना चिर शब्द सुरत का मिलाप नहीं होंदा उन्ना चिर जमन मरन है, ये कदी जन्म मरन का गेड़ खत्म नहीं हो। वो मेरे अपने विचार ये गल कहते हैं, हो सकता है कई दे विचार इतना ना भी मेल खाते हो जी जन्म मरन की है, पर मैनू इं जापदा जो गुरबाणी समझाती है मर मर जमे वाली गल जी है इस सारी साड़ी जीवन से लागू होंगी है जब तक शब्द सुरत का आप विच मिलाप नहीं हो जाता, फिर जमन मरन का गेड़ उन्नी देर खत्म नहीं। यह मिलाप भी रब्बी रहमत ना होंदा है, बख्शिश ना होंदा है, साकत दा नहीं होंदा, टुटे हुए मनुख दा नहीं होंदा, यह भी गल पक्की यकीनन तौर ते रखो। साकत नीर शब्द सुरत क्यों पाई है, साकत कित्थे पाएगा, शब्द सुरत बिन आई है जाइए, यह सतगुरु का वचन है। गुरु पातशाह जी का शब्द सुरत तो मिलाप तो बिना जमन मरन नहीं मिल सकता, साकत नूं बारे मिलाप होना नहीं है। जिहड़ा गुरु की शरण में नहीं पिया, जिसने गुरु को अपनी बाँह नहीं फड़ाई, जिसका अपनी सियाणप अपनी चतुराई अपनी चलार अपने सियाणप नाल तुरदा फिरदा रहा, उन तो गुरु साहब जी ने भी गल कह दिती, ये मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने तो सुन मन मीरिया। गुरु पातशाह जी गल कहते हैं चतुराई ना चतर पुज पाई है,
मन माधो सिंह लाइयो की गल की है, माधो सिंह मन लाइए चलाकिया नाल नहीं गल बननी। तो शब्द सुर के मिलाव तो फिर सुर का मार्ग का एक रस्ता बन गया। शब्द सुर के विच अभेद हुई, इस सफर से जो तुर पई तो सब शब्द एक होर महान एक वड्याई होर भी है शब्द की, कि शब्द जिथों पैदा होंदा है सुरत नूं उत्थे लैके चला जाता है। ख्याल करो बड़ी कमाल की गल है भी शब्द जिथों पैदा होंदा ना सुरत नूं भी उत्थे लैके चला जाता है। आम मनुख के जीवन में इहो कुछ वापरदा है, किवें एक चिट्ठी आई खोल के पढ़न लगा तो सामने नां पुत्र दा लिखा होया सी। पुत्र दा नाम पढ़दे सार ही अपने पुत्र दे नाम लई वह शब्द जिहड़े पढ़े उत्तों चिट्ठी दा पढ़े एक खिन विच सुरत पुत्र विच जा बड़ी खिन विच। देखो शब्द पढ़िया तो शब्द ही है ना, ये शब्द की खासियत है कि शब्द पढ़िया तो नाम पुत्र दा पढ़िया ही। जिवें सपोज कर लो मैं अपने बच्चे दा नाम पढ़ दिया तुहाडे अखां दे सामने झट उहदा चेहरा घूमन लग पेगा, घूमदा है। ये हर किश्ती है किसी चीज का भी ना लेने तो अखां दे सामने झट मन की उड़ारी इतनी तेज होंगी है, तरंग इन्नी तेज है कि खिन विच उहदा ख्याल तुहाडे सामने लिया के प्रगट कर देती है एक खिन विच ही। उहदी इसे तरह ही शब्द जे किसी भरा का ख्याल आ गया तो सुरत विच भरा दे शब्द कोई सामने आ गया भरा दे बोल आ गए तो भरा वाल चला जाएगा, मां दे आ गए मां वाल चला जाएगा, पुत्र वाल आ गए पुत्र वाला चला जाएगा। गल की है भी इन्हों शब्दों के नाल उधर ध्यान जुड़ता है जिधर उहदा जो जो कुछ लिखा होंगे तो गुरु का शब्द उथे लै जाता है। गुरु का शब्द जब सुरत शब्द में जुड़ जाती है वह शब्द उतों लै जाता है जिहड़ा निरंकार का देश है, निरंकार का घर है, जिथे प्रीतम है जिथे प्यारा है। पर सुरत भी परमेश्वर के दर से जाके इन्हों कहने टिक गई तो यो ही है चरण मिलाप। इन्हू मिलाप कहते ज्यूदे जी मिलाप है, मरण तो बाद मिलाप दी गल बाधियां ज्यूदे जी मिलाप है। इतों जन्म मरण का फाही कट्टी जाएगी, इतों जन्म मरण का काम खत्म होएगा जे इस सुरत जिहड़ी शब्द भी टिक जाए। इसे करके गुरु जी ने बड़ा हुक्का दिता, बार बार हुक्का दिता भी ये याद रखी ये शब्द मेरा नहीं है, बाणी मेरी नहीं है, जे ये मेरे मुखार बिन तो निकली है। पर शब्द असल च शब्द तो उहदा है जिहड़ा मेरे प्यार है प्रीतम दा जिहड़ा मैं तुहानूं गा के सुना रहा है। कई बेचारा सतगुरु जी ने यह गल करके भी गल समझा दी अमृत बाणी हर हर तेरी ते पर सुन सुन हो गए परम गत मेरी। ये तो मेरे प्यारे दी है ना, साड़ी तो ना हुई साडा जोर भी की होया उहदे उत्ते जो साड़ी है नहीं। देखो ना साड़ी हुई ना साडा कोई जोर होया ना साड़ी गल उत्थे पहुंची फिर असीं तां अपना दावा क्यों करन लग पैंदे मैं इत्थे पहुंच गया जी मेरी तो अवस्था आ बन गई जी मेरी अवस्था एड्डी उच्ची हो गई जी। भलिया पहुंचया होया जां अवस्था उच्ची वाला तां कदी दावा करदा ही नहीं है, एक भुलेखा ना खा लैणा वह दावा कहिंदा ही नहीं है। वह तो सब की चरण धूड़ हो जाता है, वह तो निम्रता की हद तक पहुँच जाता है, वह अपने आप नूं मूर्ख भी कहिंदा है नीच भी कहिंदा है। वो तो गुरबाणी भी है कि नानक नीच कह के गल की जाती है, क्यों? क्योंकि उत्थे निम्रता की एक हद है, एक निम्रता का शिखर है, क्योंकि सारे संसार विचों निरंकार दिसदा है। जदों यह अवस्था बनती है फिर उन्होंने शरीरक दुख दुख नहीं लगते, फिर दुख सुख मनन की इको जे मनन की जाच आ जाती है। यू कहें जो नर दुख मैं दुख नहीं माने सुख स्नेह अर भै नहीं जाके कंचन माटी माने की अवस्था ना निंदा ना उस जाके लोह मोह अवमाना हरक सुख ते रहे न्यारो ना है मार अपमाना आसा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा। यह अवस्था जिहड़ी है जिहड़ी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बयान की है इत्थे इस अवस्था विच आके ही फिर बंद बंद कट्टिया जांदा। इस अवस्था विच आके ही आरे ना शरीर नूं दफाड़ कीता जावे तो सी नहीं निकलदी। इस अवस्था दे विच ही आके सिर दे उत्ते आरियां चल जाण तां फिर भी पीड़ा नहीं हुंदी, पर जे किते सिख उखड़ जाए जे किते सुरत टुट जाए
दर्द ना पीड़ा ना इंसान कंबला उठता कुरला उठता वो सह आम बंदा आम रुख ये पीड़ा सह नहीं सकता दर्द सह नहीं सकता। भगत लोग जा रब्बी फकीर लोग जेड़े ने उन्हां दा सब तो वड्डा दुख उन्होंने अपने जीवन च अगर बयान किया है तो उस सुरत का टुट जाना बयान किया है भी जे सुरत टुट जाए तो फिर वह दुख मेरे को बर्दाश्त नहीं होंगे। वो तो उत्थे कहते हैं छोड़ा सुने दुख बिर डिठे मरियोंद बाज प्यारे अपने बिर ही ना तिरौंद। फिर उन्होंने जबान विचों भगत कबीर जी वांगू यह गल निकलती है करवत भला ना करवट तेरी लाग गले सुन बिनती मेरी हो वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मुख को काहे को मारे। फिर कहते ने जो तन चीरे अंग न मोरू पिंड पर तो प्रीत ना तोर। कमाल की गल तो भरिया मेरे मालका मेरे वाल पिठ क्यों कर दी पिछा क्यों कर दिता आरा चंगा है इतना चंगा सी तू मेरे शरीर नु दफाड़ करदा मेनू तेरे शरीर नु दफाड़ करोन नाल उन्नी पीड़ा नहीं हुंदी जिन्नी मेरे तेरे तो विछड़न की पीड़ा है। करवत भला ना करवट तेरी लाग गले सुन बेनती मेरी बेनती तो सुन मेरी गले ना लगा आ मेरे यार दो दोस्त कि विछड़ जा ना आपस नाराजगी हो जाए कभी तो फिर कभी नाराजगी जी जिस सचमुच अंदरों दोस्त हो ना तो नाराजगी लंबी नहीं चलती थोड़ा जा समय हों फिर कहें छड यार पुरानी गल् आ मना घुट के गले ना लग आ मेरे गले लग छड आपां तां जिंदगी खराब कर ली। भगत जन तो अपने प्यारे ने गल कहते हैं ला गले सुन बेनती मेरी हो मारी सदके बलिहार कुरबान मूह तो मेरे वाल कर मुख फेर प्यार है किन्नी दोस्ती है किन्ना प्यार है किन्ना निग है इस बुला दे विच करवट दे बुको काहे को मारे क्यों मैनू मार दिया पिछा पिछला पासा करके मेरे तो मुँह घुमा के क्यों मैनू मारी जाना मैं क्यों मेरा कीता पर क्या जो तर चीरे जे तू चीर भी सुटे तो मैं पिछा नहीं हटावगा अपना एक अंग भी पिछे नहीं करांगा टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो पर तेरे ना प्रीत नहीं तोड़ांगा। यह है प्रीत का शिखर फिर बोलता है उडीनी 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 कब कर आवेरी फिर बंदे की पीड़ा इतने आ खड़ी हो जाती है। गल की है आत्मक रस का एक चाओ एक आनंद बनया रहा है एक खेड़ा बनया रहा है। अजिही दशा विच फिर गुरु बारह माह दे विच गल कहते भी उन्होंने पोख का तुखार नहीं व्यापता उन्होंने ना ही हाड़ की गर्मी लगती है तो ना ही अंदर दूरा जोड़ा ठंडा वो ठंड पहुँचा है भाव शरीरिक ठंड नहीं है अंदर दी है अंदर ना तपश है ना कुछ है अंदर तो आनंद ही आंदा उत्थे कर गुरु साहब कहें असाड़ तपंदा तिस लगे हर ना ना जिन्ना पास उन्होंने है साढ़े लिए नहीं है जेडे गुरु के प्यारे हैं उन्होंने नहीं है गुरु के मार्ग से चलिया गल नहीं है असाड़ तपंदा तिस लगे हर ना ना जिन्ना पास जिन्ना को नाम नहीं है उन्होंने तड़फदा अंदरों अंदरों अग लगी है उन्होंने गर्मी ना सर्दी भाव शरीरिक दुख सुख इतने गर्मी सर्दी का मतलब शरीरिक दुख सुख की गल होंगी है परवाह नहीं रही इतने तो हम दिन रात अंदर बजते हुए शब्द की धुन एक आनंद बख्शिश करती है भावें सर्दी है भावें दुख है तो भावें सुख है उत उस शब्द की धुन एक आनंद दिंदी है लगातार है अनहद है अनाहत है एक रस है अंदर दा रब दियां मेहरां दा मीह वरसदा अंदर तो रब की मेहर का नहीं वरसदा तो फिर मन इस परम रस मानदा मानदा यह गल कही जाता है चिम चिम वरस है अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द बिचारा बस फिर चुम चुम करके यह गल कही जाता है चिम 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 अमृत वरसदा हूं बुलाया बोली खसम का फिर मनुख इस वजह गलों से पहुंच जाता है इस अवस्था से जाके पहुंच जाता है। जेड़ा मन पहला रसा कसा दे विच्चों कढ़ना बड़ा
ਔਖਾ ਸੀ ਬਿਕਮ ਘਾਲਣਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲੇ ਮਨ ਭਿਓ ਪੰਗ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰ ਹੀ ਹੱਡੀ ਜਾਣ ਲਈ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲੈ ਮਨ ਭਿਓ ਪੰਗ ਮਨ ਪਿੰਗਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਤ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚ ਫਰਕ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੰਦੜੇ ਕੁਲਾਹਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਹਿਕੜੋ ਨਾਨਕ ਸੇ ਤਨ ਫੁਟਨ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈ ਵਿਸਰੈ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਤੇ ਬੋਲ ਲਿਖਦੇ ਫੁਟਨ ਤਾਂ ਫੜ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਫੜਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਫੜਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੰਦੜੇ ਕੁਲਾਹਾ ਲਾਹੇ ਵੱਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਤੋਂ ਕੁਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਤੰਦੜੇ ਕੁਲਾਹਾ ਕਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਹੇਕੜੋ ਨਾਨਕ ਸੇ ਤਨ ਫੁਟਨ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈ ਵਿਸਰੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਏਡੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਇੰਨੀ ਤੜ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਡੀ ਸਖ਼ਤ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਰਗੂ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪੀੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਰਤ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀਰਤੀ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਠੱਗੀ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਢੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਜੇ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੋਲੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਮੀ ਲੈ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਟੀ ਲੈ ਗੋਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਮਦੇ ਪਰਮਈਏਲੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿੰਘ ਬਾਤ ਬਤਾਊਗਾ ਚੀਤ ਸਡੋਰੀ ਰਾਖੀਏਲੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਵੇਦੀਏਲੇ ਜੈਸੇ ਕਨਕ ਕਲਾਚਿਤ ਮਾਂਡੀਏਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥਮਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਹੈ ਅਸਥਮਨ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਲਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ
ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿੱਲਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਮਾ ਸੀ ਪਿੱਲਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦੇ ਥਮਨ ਦਾ ਭਾਵ, ਜੇ ਥੰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਿੱਲਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾ, ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ? ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਟਿਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਭੈ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦਾ ਮੇਲ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦਾ ਟਿਕਾਓ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦੋ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ।